हेलो, दिस इज़ अमीश्री और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपना पॉडकास्ट नंबर 2 लेकर। आज का पॉडकास्ट कुछ डिप्रेशन रिलेटेड बातों से रिलेटेड है। आज के पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो ओवरथिंकिंग से उत्पन्न हुई है। इसी डिप्रेशन पर एक राइटर, एक ऑथर है जिन्होंने एक बुक लिखी है, लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। इनका नाम है प्रीति शिनॉय। इस बुक में एक लड़की की स्टोरी है जिसकी शुरुआत के चैप्टर्स में उसकी लव स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से घर वालों की रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी वो अपने बीएफ से छुप छुप के बातें करती है और किस तरह से वो अपने प्यार को आगे धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। उसका बचपन उसमें शो किया गया है। फिर वो धीरे धीरे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए मुंबई जाती है, कॉलेज चेंज करती है, उसके नए दोस्त बनते हैं। पुरानों को वो जैसे ही भूलती है उसे काफ़ी गिल्ट लगता है कि मैं पुरानों को क्यों भूल गई, या फिर जो मेरा पुराना वाला था मैं नए लोगों से अट्रैक्ट हो रही हूँ और पुराने वालों से बात नहीं कर पाती हूँ। ये बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थी, लेकिन हायर स्टडीज़ के चलते वो ये चीज़ें स्किप कर रही थी। वो नए कॉलेज में गई, उसका फिर से अट्रैक्शन किसी लड़के से हुआ, उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगी, उसके साथ भी उसे कुछ फीलिंग्स आईं जो उसे लगा कि ये शायद मेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड से भी थी। पर धीरे धीरे वो इन सारी भावनाओं से लड़ते हुए उसने ये फील किया कि वो बहुत कुछ ऐसा है जो पीछे छोड़ रही है, बहुत कुछ ऐसा है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लाइफ से, बट वो भी फिर भी हो रहा है। उसकी आगे की स्टोरीज में, उसकी जो आगे की कहानी है, जो आगे के शब्द हैं राइटर ने जो लिखे हैं, उसमें उसका एक MBA का ईयर ड्रॉप आउट हुआ है। उस ईयर ड्रॉप आउट होने का एकमात्र कारण था कि वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी थी अपनी लाइफ को लेकर, अपनी थिंकिंग से कुछ ज़्यादा सोच रही थी वो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके घर वालों ने इतना बड़ा कॉलेज चुना उसके लिए और वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसे इस बात का काफ़ी गिला कह सकते हैं, शिकवा कह सकते हैं कि वो उस तरह से अपने पेरेंट्स को रिज़ल्ट नहीं दे पा रही थी जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इन सभी चीज़ों को सोचते हुए वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई एंड उसने काफ़ी ट्राई किया कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करे। एंड सुसाइड अटैम्प्ट्स में उसने ट्राई किया, जैसे कि नाइफ से उसने कई बार ट्राई किया। एंड उसने ये भी कोशिश की कि जैसे मूवीज़ में फ़ैन से लटक जाते हैं, वैसे भी ट्राई किया उसने, बट कभी कभी ऐसा होता था घर वाले आ जाते थे या फिर कुछ ऐसा होता था जिससे वो कर नहीं पाती थी, उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ऐसा ना हो कि अगर बच गए हम तो उसके बाद की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। फिर उसने अपनी सबसे ऊपर वाली फ्लोर से जंप करने का ट्राई किया, बट फिर से उसके पापा ने उसे बचा लिया। अगर हम वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट की बात करें तो अप्रॉक्स 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैव डिप्रेशन। अप्रॉक्स 280 मिलियन पॉपुलेशन हैव डिप्रेशन, जिसमें कि हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है। ये सब जब उनके फादर को पता चला कि जो अंकिता है वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है, उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को ढूंढा, वर्ल्ड्स बेस्ट कह सकते हैं साइकेट्रिस्ट को ढूंढा, जिनका नाम था डॉक्टर मधुसूदन, और उनसे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। उस दिन एक डॉक्टर ने, उन्हीं डॉक्टर ने एक बात कही, बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जब हमें दूसरों को मारने का अधिकार नहीं है तो हम खुद को कैसे मार सकते हैं। जब हमें दूसरों को मारने की सज़ा दी जाती है तो हमें खुद को भी मारने की सज़ा होनी चाहिए। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी डॉक्टर मधुसूदन जी की। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन इस वजह से बढ़ता जा रहा है, हमारे भारत का जो सुसाइड अटेम्प्ट रेट है वो दूसरे नंबर पे इसलिए आ गया है क्योंकि हम मेडिटेशन को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज भी ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूलों ने ये स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आज भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर मेडिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। हमारे स्कूल्स में ना साइंस, इंग्लिश, मैथ्स की रेमेडीज होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं,
पर मेडिटेशन का कुछ भी नहीं होता। अप्रॉक्स 15 मिनट्स अगर रोज मेडिटेशन कराया जाए, 10 मिनट्स भी, तो बहुत सुधार हो सकता है हमारी इंडिया की जो सुसाइड अटेम्प्ट रेट है डिप्रेशन से, काफ़ी हद तक सही हो सकता है। जो जगह जगह बैनर लगे होते हैं, अंग्रेज़ी बोलना सीखें, मेडिटेशन करना सीखें, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इस वीडियो को दुनिया के हर कोने, भारत के हर कोने तक पहुंचाइए जहां पर मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि हर स्कूल में एटलीस्ट 15 मिनट्स डिप्रेशन के लिए एक कदम उठाना चाहिए, मेडिटेशन कराना चाहिए। मेडिटेशन अपने में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, थोड़ा सा स्टार्ट करिए, थोड़ा सा शुरू करते हैं और एक बड़ी सोच को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।